तो ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कांग्रेस की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां पर कांग्रेस के दिग्गज नेता मौजूद हैं। सीएम को आप देख पा रहे हैं, रंधावा भी मौजूद हैं, डोटासरा भी। सुनते हैं क्या कुछ बोल रहे हैं रंधावा। आप बहुत शॉर्ट नोटिस पर आए हैं। आज जो ईडी का दुर्भाग्यपूर्ण रेड और जैसे बीजेपी गवर्नमेंट जो कल प्रियंका जी और हमारे माननीय सीएम साहब ने गारंटियों का अनाउंस किया, उसके डर से ईडी का रेड और इनके बेटे को फेमा के अंडर वहां बुलाना, ये मैं कहता हूं कि डेमोक्रेसी के लिए एक काला दिन है। आज तक कभी इलेक्शन के टाइम ऐसी बात नहीं होती। जो न्यायिक दौर चला है राजस्थान और जो कांग्रेस स्टेट्स हैं उनकी इलेक्शंस में, मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी की गवर्नमेंट से कि इनके पास ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई के अलावा कोई और चीज भी है तो उससे भी कांग्रेस नहीं डरेगी। इनको अब अपना निशान जो कमल का फूल है उसमें साथ ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स का भी एक चोर निशान साथ लगाना चाहिए। कल से घबराए हुए इनके लीडर तो नहीं आए, पर ईडी लीडर बनकर कांग्रेस इलेक्शन का माउथ पीस बनकर बीजेपी का ये राजस्थान में आई है। मैं पूछता हूं कि मध्य प्रदेश में नहीं जा सकती, हरियाणा में क्यों नहीं जा रही, वहां दिल्ली में क्यों नहीं जा रही? जो पैसे लेकर भाग गए हैं, जो इनके साथी हैं, उनके ऊपर आज तक कभी किसी को नहीं बुलाया। मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक बात कहना चाहता हूं, ना हम डरे हैं ना डरेंगे, इसका मुकाबला करेंगे। तो अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि वो आप